नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुआ आप सबके सामने। मैं विकास गौतम, विकास कुमार एसजी चैनल पर दोस्तों एक ताज़ा अपडेट के साथ। अभी अभी जस्ट दोस्तों मेरे पास न्यूज़ आई है। जी राजस्थान जो न्यूज़ चैनल है उसने ट्वीट किया है दोस्तों। ट्वीट उन्होंने नहीं किया है, असल में क्या है, सुभाष गर्ग जी जो हैं आपके तकनीकी शिक्षा मंत्री जो है अपने राजस्थान में, उन्होंने एक ट्वीट किया है जी राजस्थान न्यूज़ के माध्यम से। एक सूचना दी है कि ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो है वो शामिल जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों उनको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब ये पक्का माना जा रहा है कि जो 25 अप्रैल को एग्जाम है वो आगे जाने की प्रबल संभावनाएं हो चुकी है दोस्तों। पूरा प्रबल संभावना क्या, पक्का पक्का हो ही चुका है। उसका रीजन ये है दोस्तों कि अब ईडब्ल्यूएस वाले जो है वो मांग करेंगे। अब मांग क्यों करेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ बोला है ट्वीट में, साफ उन्होंने सूचना दी है कि जो अभी प्रक्रियाधीन जो एग्जाम्स है जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, ध्यान सुनेगा, जिनकी परीक्षा नहीं हुई है वो भी इस एग्जाम को इस ईडब्ल्यूएस का फायदा उठाएंगे, उनको भी आयु सीमा में जो है वो छूट मिलेगी। ठीक है, तो इसे देखते हुए दोस्तों अभी लग रहा है कि पक्का ये जो एग्जाम है वो आगे जाएगी, क्योंकि अगर फॉर्म रीओपन होते हैं मेरे दोस्तों तो इसका मतलब है कि टाइम दिया जाएगा और आप जो है वो नीचे जाके राजस्थान न्यूज चैनल पर आप ट्वीट को चेक भी कर सकते हैं। वहां पर जितने भी स्टूडेंटों ने रीट्वीट किया है दोस्तों, इसको रीट्वीट का मतलब उस ट्वीट का रिप्लाई किया है, उसको फेवरेट किया है, उसको वापस लाइक किया है, और तो नीचे आप जब उन बच्चों के कमेंट पढ़ोगे तो कम से कम 80-90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो भी यही मांग कर रहे हैं दोस्तों कि रीट की एग्जाम जो है सर आगे जानी चाहिए, जुलाई में जानी चाहिए, और रीट की एग्जाम के लिए जो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आयु सीमा अगर आप छूट दे रहे हो तो फॉर्म को रीओपन करवाइए। ठीक है, और ये आपको अच्छी तरह पता है सरकार जो है ट्विटर का बड़ा ध्यान रखती है, ट्वीट्स जितने भी होते हैं उस पर सरकार का पूरा ध्यान रहता है। तो अब ये मेरे हिसाब से मानस बन चुका है कि एग्जाम जो है वो जहां तक है आगे जाएगी। दूसरी बात, कोरोना काल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोरोना के मरीज भी बढ़ रहे हैं, तो इसे देखते हुए हो सकता है होली के आसपास 3-4 दिन की सख्ती लगा दें, लॉकडाउन लगा दें, या फिर स्कूल्स जो है उनको वापस बंद करने का निर्णय लिया जाए। वो तो खैर आगे की बात है, जिस प्रकार से मरीज बढ़ते हैं या घटते हैं उस हिसाब से रिकवरी कर जाएगा राजस्थान। तो ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में लॉकडाउन के चांसेस बढ़ रहे हैं, राजस्थान में हो सकता है 2-5-10 दिन में मरीज नहीं आ जाए, तो यहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है, पूर्णतः लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की न्यूज़ यही थी। आपको मैंने पहले भी कह रखा है कि बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ ही मैं हाजिर होता हूँ। सुबह मुझे इस न्यूज़ का पता चल गया था, लेकिन कन्फर्मेशन मुझे अभी हुआ है दोस्तों, अभी 4-5 बजे, और उसके बाद ही मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों साइकोलॉजी के टेस्ट पेपर का सीरीज मिल जाएगा, साइंस मैथ्स वालों के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी पूरी, बायो और फिजिक्स की, आप वहां से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पढ़ते रहें, कन्फ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेने की आगे बढ़ेगी या सेम रहेगी, आप पढ़ते रहें, तैयारी अपनी बरकरार रखें। जो मेरा काम है बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज का, वो मैंने आपको दिया है दोस्तों कि एग्जाम की संभावना है जो बिल्कुल बिल्कुल पक्की। मेरी जितनों से भी बात हुई वो सभी ये कह रहे हैं कि एग्जाम आगे जाएगी, और ये सब जो है वो सरकार का ही मानस है, ये भी ध्यान रखिए, सरकार का ही मानस है। एन मौके पर ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट देना ये क्या दर्शाता है दोस्तों, आप ही बताइए। तो ये सीधा दर्शाता है कि सरकार का मानस भी है कि एग्जाम जो है वो आगे ले जाया जाए। उस ट्वीट के नीचे तो यहां तक भी लिखा है कि एसआई के फॉर्म्स जो है वो भी रीओपन करवाए जाए, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। ठीक है, कॉलेज लेक्चरर वगैरह जो है ये सब एग्जाम्स के फॉर्म्स रीओपन करवाएं, हालांकि उनका तो क्या पता क्या होगा, पर रीट की एग्जाम जो है वो 25 अप्रैल को होने के चांसेस बिल्कुल अब जीरो हो चुके हैं दोस्तों। जैसे ही ताजा मुझे कोई और अपडेट मिलती है इस बारे में दोस्तों, तो मैं आपके लिए उस अपडेट को लेकर जरूर हाजिर होऊंगा। आज के लिए आप इतना ध्यान रखें, डीमोटिवेट नहीं होना है। जो चाहते हैं कि 25 अप्रैल को एग्जाम हो उनको डीमोटिवेट नहीं होना है। अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है कि 25 अप्रैल को नहीं होगी, लेकिन आज के निर्णय को देखते हुए आपको भी यही लगेगा कि एग्जाम जो है वो आगे जाएगी। और जहां मेरे जितने भी सूत्र हैं दोस्तों जिनसे मुझे मालूम चला है उनसे सारी यही न्यूज आ रही है, तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर एग्जाम आगे जाती है 3-4 दिन में ऐसा कोई डिसीजन आता है तो आपकी तैयारी और भी सॉलिड हो जाएगी, और जिनकी तैयारी नहीं थी उनके लिए तो अच्छी खबर है ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार।